कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, गोवा राज्य बन गया है। किस बैंक में कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का की शुरुआत की गई है? तो वो है हमारा SBI। किस बैंक ने शुरू किया है? SBI बैंक ने शुरू किया है, स्टेट बैंक। नेक्स्ट है, पंजाब राज्य ने कौन सा ऐप कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए पंजाब राज्य ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो वो है कोवा पंजाब। कौन सा ऐप है? कोवा पंजाब। फ्रेंड, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। हमारा SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर UPPCS हो गया, या फिर स्टेट PCS के कोई भी एग्जाम हो गया, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन से वेबसाइट का शुरुआत किया? तो वो है google.com COVID-19। कौन से वेबसाइट की शुरुआत की? google.com COVID-19। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया? तो वह इंस्टाग्राम फीड। कौन सा फीचर लॉन्च किया? इंस्टाग्राम फीड। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने कौन सा फीचर लॉन्च किया? तो वो है व्हाट्सएप चैटबोट। कौन सा फीचर लॉन्च किया व्हाट्सएप ने? व्हाट्सएप चैटबोट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने कौन सा फीचर लॉन्च किया? कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर। कोरोना वायरस को जागरूक करने के लिए फेसबुक ने कौन सा फीचर लॉन्च किया? तो वह है कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना वायरस को COVID-19 नाम कहाँ दिया गया था? तो कोरोना वायरस को COVID-19 नाम चीन के वुहान में दिया गया था। फ्रेंड, वीडियो के PDF लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप की ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लॉकडाउन के समय में रेडियो स्कूल कार्यक्रम का शुरुआत कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। लॉकडाउन के समय में स्कूल रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? मध्य प्रदेश में शुरू की गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक ने प्रस्तावित भारत COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य परियोजना के लिए भारत सरकार को कितने डॉलर दिए हैं? तो भारत सरकार को $1 दिए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने COVID-19 पर अपडेट जानकारी देने के लिए किस नाम का ट्विटर हैंडल जारी किया है? तो वह है @COVIDNewsByMIB। फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। किस बड़ी टीम ने बड़ी जगहों पर सैनिटाइजर करने के लिए ड्रोन तैयार किया? तो IIT गुवाहाटी ने। किसने तैयार किया है? IIT गुवाहाटी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो वो कर्नाटका सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, COVID-19 के इलाज के लिए भालू के पित्त की सिफारिश किसने की है? तो COVID-19 के इलाज के लिए भालू के पित्त की सिफारिश किसने की है? चीन ने की है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया? तो वो है परिवई मिनियम्मा। मी बडी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वो अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश ने लॉकडाउन के समय में इस बडी ऐप का मी बडी ऐप लॉन्च किया है, जिससे घर बैठकर लोग अपने ज़रूरत के सामान को मंगवा सकें। तो फ्रेंड, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आइए मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। COVID-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो गोवा बन गया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक में कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है SBI में, स्टेट बैंक में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए पंजाब राज्य ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब राज्य ने कोवा पंजाब लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सी वेबसाइट की शुरुआत की है? तो google.com कोविड-19 की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम फीड लॉन्च किया है। फ्रेंड, वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, इसके बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो आपका SSC हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ या फिर स्टेट PCS से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हुआ, सब में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने कौन सा फीचर लॉन्च किया? तो व्हाट्सएप चैटबॉट है। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने कौन सा फीचर लॉन्च किया? तो फेसबुक ने कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर लॉन्च किया है। कौन सा फीचर लॉन्च किया? कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर।